space a month. थर्टीन इंच बाय ट्वेल्व इंच के टू पीसेस क्विल्टेड, थर्टीन इंच बाय ट्वेल्व इंच टू पीसेस लाइनिंग, एट इंच बाय थर्टीन इंच टू पीसेस क्विल्टेड, लेकिन मैंने इसके साथ लाइनिंग अटैच नहीं किया है, हम बाद में करेंगे जिप के साथ। सिर्फ रबर शीट और फैब्रिक अटैच करके लिया है। 13 इंच बाय 7.5 इंच वन पीस लाइनिंग, 32 इंच बाय 5 इंच वन पीस क्विल्टेड, 24 इंच बाय 5 इंच टू पीसेस फैब्रिक। ये बेल्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये दो बेल्ट है, उसके ऊपर मैंने एक इंच की फैब्रिक की स्ट्रिप अटैच की है। एक लेस है 10 इंच की, 14 इंच की एक जिप, 13 इंच की टू जिपर्स और 8 इंच की एक जिप और पांच रनर्स और एक लाइनिंग की स्ट्रिप, जितनी लगेगी उतनी हम यूज़ करेंगे। 13 इंच बाय 12 इंच का ये क्विल्टेड पीस हमें लेना है। चौड़ाई 13 इंच है और लंबाई 12 इंच है। नीचे से हमें 8 इंच पे मार्क करना है और उसका सेंटर मार्क करना है। ऊपर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड से और नीचे से हमें 1 इंच पे मार्क करना है और मार्किंग में हमें शेप देना है। शेप की मार्किंग के ऊपर से हमें कट करना है, वैसे ही हमें दूसरे साइड में फोल्ड करके हमें कट करना है और जो डेढ़ इंच का मार्क है वहाँ तक हमें एक साइड रख के दूसरी साइड में हमें कट करना है। ये होने के बाद हमें 13 इंच बाय 12 इंच का ये लाइनिंग का पीस लेना है और ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और कट करना है और 8 इंच की जिप हम लेंगे और उसके साइड से मैंने दोनों लाइनिंग की पट्टियाँ लगाई है वो हमें उसके ऊपर अटैच करेंगे। ये पार्ट रेडी हुआ है। अगर ये आपको वीडियो देखना है तो ये मेरा पहले का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अभी हमें 13 इंच बाय 7.5 इंच का ये जो लाइनिंग का पीस लिया था वो हमें लेना है और उसके ऊपर हमें दो फोल्ड करके ऊपर से हमें सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हमें ये 13 इंच बाय 12 इंच का ये लाइनिंग का दूसरा पीस है वो हमें लेना है और उसके ऊपर नीचे से हमें दो साइड से अटैच करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें 8 इंच बाय 13 इंच का ये जो फैब्रिक और लाइनिंग हमें लेना है
और 13 इंच की एक जिप लेके हमें फैब्रिक के ऊपर रखना है और उसके ऊपर हमें लाइनिंग रखना है और अटैच करना है। फिर हमें लाइनिंग को अंदर की तरफ लेके प्रेस्टिच करना है। ये प्रेस्टिज होने के बाद हमें इसका सेंटर करना है और सेंटर के ऊपर हमें 10 इंच की जो लेस ली थी वो हमें जिप के ऊपर अटैच करना है। ये लेस जॉइंट होने के बाद हमें पाइपिंग अटैच करना है। पाइपिंग की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हमें पाइपिंग बाहर की तरफ लाना है और एक फोल्ड करना है और दूसरे फोल्ड में हमें सिलाई करना है। ये पाइपिंग जुड़ने के बाद हमें दोनों साइड से रनर डालेंगे तो दो पॉकेट सेपरेट होगी। अभी हमें ये पार्ट लेना है और नीचे से 8 इंच पे जो मार्क किया था वो मार्किंग के ऊपर हमें रखना है और हमें चारों साइड से सिलाई करना है। ये एक पार्ट रेडी हो गया। अभी हमें ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे। अभी हमें दूसरा पार्ट लेना है। एट इंच बाय 13 इंच का जो पार्ट है उसके ऊपर हमें वैसे ही सिलाई करके लेनी है जो हमने पहले किया था वैसे ही, और एक रनर डालना है। ये दोनों पार्ट रेडी हो गए। अभी हमें ये जो 24 इंच बाय 5 इंच का ये जो फैब्रिक लिया था वो हमें लेना है और उसको एक फोल्ड करके हमें साइड से सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हमें फैब्रिक टर्न करेंगे। टर्न करके हमें सिलाई सेंटर में रख के ये प्रेस करके लिया और हमने सिलाई सेंटर में रखी है। भी हमें ये बेल्ट लेना है। बेल्ट के ऊपर मैंने 1 इंच की फैब्रिक की स्ट्रिप अटैच की है दोनों साइड से सिलाई करके। अभी ये बेल्ट हमें सेंटर में रखना है और दोनों साइड से एक एक फोल्ड करके उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये दोनों बेल्ट तैयार हो गए। अभी हमें ये पार्ट लेना है और उसके ऊपर हमें सेंटर मार्क करना है और सेंटर से हमें 2-2 इंच पे मार्किंग करना है और मार्किंग के ऊपर हम ये बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की जो डिज़ाइन की हुई साइड है वो हमें नीचे रखना है और उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। वैसे ही हमें दूसरा पार्ट बना के लेना है। बेल्ट अटैच होने के बाद हम ये जीपर लेंगे।
14 इंच का हमें एक साइड से अटैच करना है और दूसरी साइड में हमें एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो लाइनिंग का पॉकेट बनाया था उसका हमें सेंटर करना है, वो सेंटर हमें दूसरे सेंटर से जॉइन करना है। ये लाइनिंग का सेंटर और ये बैक का सेंटर हमें एक साथ में रखना है और ज़िप उसके ऊपर, उसके बीच में हम ज़िप रखेंगे और पहले हम पिन से अटैच करके लेंगे और बाद में हम उसको सिलाई करना है। कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। ये लाइनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा साइड में, वो हम बाद में कट करेंगे। इसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हमें लास्ट में थोड़ा स्पेस छोड़ना है और ये ज़िपर के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये लाइनिंग हम बाद में कट करेंगे, अभी हमें उसको टर्न करना है और उसके ऊपर हम प्रेस्टिच करेंगे। ये प्रेस्टिज होने के बाद हमें ये जो लेस लगाई थी उसके ऊपर हमें दोनों साइड से स्टिच करना है। ये स्टिच होने के बाद हमें ये दो पॉकेट्स बनेंगे। अभी हमें राउंड में सिलाई करना है, ज़िप के ऊपर हमें सिलाई नहीं करना है। ज़िप हम थोड़ा बाहर रखेंगे और ज़िप से पहले हमें छोटा सा स्पेस छोड़ना है। ये दो पॉकेट्स तैयार हो गए बाहर से और दो पॉकेट्स अंदर से। अभी हमें ये पार्ट लेना है दूसरा और उसके ऊपर हम ये पार्ट जोड़ देंगे। अभी हमें दूसरे साइड में ज़िप जोड़नी है, इसके लिए हम ज़िप एक साथ में रखेंगे और ज़िप हमें सेपरेट करना है। और जहाँ से हमने ज़िप कॉर्नर से अटैच की है वो कॉर्नर से ही हमें दूसरे साइड में जोड़ना है और उसके अपोजिट साइड में ज़िप हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। ये हम ज़िप रखेंगे और उसके ऊपर ये जो ज़िप लगाया हुआ पार्ट था अंदर से पॉकेट किया हुआ वो हम उसके ऊपर रखेंगे। ये जो सेंटर से सेंटर मार्क करके हमें रखना है, पिन से अटैच करके ही हम सिलाई करेंगे। ये हमें ज़िप थोड़ा सा बाहर छोड़ना है। ये सिलाई होने के बाद हम लाइनिंग को अंदर की तरफ लेके हम प्रेस्टिच करेंगे।
स्टिच करते समय हमें बेल्ट ऊपर की तरफ रखना है। और हम लास्ट में आते हैं तो हमें जिप को ऊपर रखना है और दोनों साइड हमें सिलाई आनी चाहिए वैसे हमें रखना है। सिलाई में जिप नहीं आनी चाहिए वो हमें ध्यान रखना है। वैसे ही हमें इसको साइड से सिलाई करके कट करेंगे और ये बाहर से एक पॉकेट और अंदर से एक जिप का पॉकेट। भी हम 32 इंच बाय 5 इंच का ये पार्ट लेना है और उसके दोनों साइड में हमें पाइपिंग करना है। ये दोनों साइड से पाइपिंग हो गई। पे में ये जो पार्ट है वो हमें लेना है और उसके ऊपर बैक साइड में दोनों साइड से 1.25 इंच जितनी हमें स्पेस छोड़ के मार्क करना है दोनों पार्ट के ऊपर। और ये जो 32 इंच का ये पार्ट है वो हमें उसके ऊपर जोड़ना है। हम पहले पिन से अटैच करके लेंगे और बाद में सिलाई करेंगे। ये दोनों अटैच किया है। कभी कभी क्या होता है ये पार्ट बड़ा हो जाता है तो हमें पूरे राउंड में सिलाई मारना है और जो लास्ट में आता है तभी हमें देखना है कि अगर एक्स्ट्रा है तो हम कट करके बाद में पाइपिंग करना है दूसरे साइड की और पाइपिंग करके हम जोड़ सकते हैं। अभी हमें कॉर्नर्स में एक छोटा छोटा कट लगाना है दोनों कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स कट करने के बाद हमें ये पाइपिंग लेना है, उसकी सीधी साइड हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कॉर्नर से हमें एक फोल्ड करना है और बाद में हम सिलाई करेंगे। या लास्ट में आने के बाद हमें पाइपिंग थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे। ये जो जिप हमने कॉर्नर से जोड़ी थी वो जिप हमें ये पाइपिंग के अंदर डालना है। इसके लिए पाइपिंग को फोल्ड करके ये जिप अंदर जानी चाहिए वैसे हमें रखना है और दूसरी साइड में हमें जिप को बाहर रखना है और ये साइड में हमें जिप अंदर डालेंगे। अभी हमें ये टर्न करना है और पाइपिंग को एक फोल्ड करके दूसरे फोल्ड में हम सिलाई करेंगे। ये पाइपिंग एक साइड की कंप्लीट हो गई। वैसे ही हमें दूसरे साइड में ये पार्ट अटैच करके उसके ऊपर हमें पाइपिंग करना है। ये दोनों साइड की पाइपिंग होने के बाद हमें अभी ये जीपर में हम रनर डालेंगे। जो एक्स्ट्रा जीप छोड़ी थी वो साइड से हमें रनर डालना है।
यहाँ से रनर डालने के बाद यहाँ पे लॉक हो गया। अभी हमें ये जो दूसरी साइड है जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर हम ये फैब्रिक रखेंगे नीचे की साइड में और दो फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हमें ये फैब्रिक टर्न करेंगे और टर्न करके हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे और एक फोल्ड करना है और दूसरे फोल्ड के ऊपर हमें सिलाई करना है। ये बैग कंप्लीट हो गई। अंदर ये थ्री पॉकेट्स है और एक बड़ा सा स्पेस। और बाहर की तरफ तीन पॉकेट्स हैं। ये फैंसी बैग आपको कैसे लगी ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।